हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन बताएंगे आज की वीडियो में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक 500 रुपये कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर एक शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए इन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका, देखिए प्रत्येक पूछा गया, प्रत्येक रुपए कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर एक शर्ट बिल्कुल मुफ्त है। टोटल कितनी शर्ट हो गई दोस्तों, 3 ये जो खरीदी है और एक मुफ्त वाली, टोटल कितनी शर्ट हो गई, 4 शर्ट हो गई। तो प्रत्येक शर्ट कितने की है दोस्तों, 500 रुपए की है, तो 4 कितने की हो गई, 4 हो गई दोस्तों 2000 की। देखिए क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद एक सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 कितने की हो गई, 2000 की हो गई, तो 3 कितने की होंगी दोस्तों, 3 हो जाएंगी आपकी 1500 रुपये की। यही तो बात है, 4 शर्ट 2000 की होंगी, 3 शर्ट पर एक शर्ट की छूट मिलेगी, तो 4 शर्ट टोटल रहेंगी, तो 4 शर्ट टोटल 2000 की हो जाएंगी, तो 3 शर्ट कितनी की होगी, 1500 रुपये की। इसका मतलब एक शर्ट पर कितने रुपये की छूट रहेगी, एक शर्ट पर दोस्तों इनका अंतर कर लीजिए 500 रुपये की छूट रहेगी एक शर्ट पर। यही तो बात है दोस्तों, एक शर्ट पर कितने की छूट रहेगी, 500 रुपये की, है ना। 3 शर्ट के पैसे में 4 शर्ट मिल रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे करने का इजी और आसान तरीका क्या है। देखिए इसे करने का इजी और आसान तरीका ये है, जितनी शर्ट आपसे पूछी जाए, देखिए आपसे पूछा क्या गया है, 3 शर्ट पे एक शर्ट फ्री है। देखिए 3 शर्ट पर एक शर्ट फ्री है, टोटल शर्ट कितनी हो गई, 4। टोटल शर्ट कितनी होगी, 4। एक शर्ट फ्री है, जो शर्ट फ्री है उसे ऊपर रखिए, और टोटल शर्ट कितनी है, 4, तो 4 नीचे रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 वाली कट जाएगा, तो 25% की छूट है, प्रतिशत में आपका आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यदि आपका आंसर रुपए में दिया जाता तो 500 रुपये आपका आंसर होता, 500 रुपये की छूट है। परसेंट में आपका आंसर दिया गया है तो परसेंट में कितना, 25% की छूट है, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं, इस तरह से दिया जाता, 3 की जगह 4 शर्ट होता, अगर 4 शर्ट की खरीद पर एक शर्ट की छूट है, मतलब 4 शर्ट की खरीद पर एक शर्ट की छूट है, इस तरह से क्वेश्चन होता, तो जो छूट वाला उसे ऊपर लिखेंगे, टोटल कितना हो गया, 5 को नीचे लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 5 से 100 को काट दीजिए, कितनी बारी कटेगा, 20 बारी कटेगा, तो 20% की छूट हो जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्या है जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों यह है, 9 से लेकर 63 तक जितनी भी संख्या होंगी जो 9 से कट जाएंगी, 9 से तो कट जाएं लेकिन 3 से ना कटें। देखिए तो 9 का पहाड़ा ही ले लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दुनिया 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54 और 9 सत्ते 63, ठीक है दोस्तों। तो 9 एवं 63 के बीच पूछा गया है, तो 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्या आएंगी, 18 से लेकर 54 तक आएंगी, जो 9 से पूरी कट जाएंगी। पूछा गया है 3 से भाज्य नहीं हो, तो देखिए 3 से 18 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, 36 भी, 45 भी, 54 भी, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 से नहीं कटे, ये सारी संख्या आपकी 3 से कट जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यदि आपकी 3 संख्या ऐसी होती जो नहीं कटती तो 3 पर आंसर लगा देते, 5 ऐसी होती नहीं कटती तो 5 पे, 9 होती तो 9 पे, लेकिन आपकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो भाज्य नहीं हो 3 से, सारी संख्या भाज्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 0 आपकी संख्या हो जाएंगी, 0 संख्या, मतलब कोई भी संख्या आपकी ऐसी नहीं है जो 3 से भाज्य नहीं हो, सारी संख्या 3 से भाज्य हो जाएंगी, क्योंकि 9 आपका 3 का मल्टीपल है, 9 आपका 3 से कट जाएगा, तो 9 से कटने वाली संख्याएँ सारी 3 से कट जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपकी 9 की जगह पर 12 पूछ लिया था, क्या 12 से कटने वाली संख्या इतनी कितनी है, 12 से कटने वाली संख्या कितनी है जो 4 से ना कटें, तो दोस्तों 4 के मल्टीपल में 12 आ रहा है, तो 12 से जितनी कटने वाली संख्या होंगी वो सारी 4 से भी कट जाएंगी। और देखिए 6 के मल्टीपल में 12 आ रहा है, तो 12 से कटने वाली संख्या सारी 6 से भी कट जाएंगी। और देखिए 3 के मल्टीपल में 12 आ रहा है, तो 12 से कटने वाली संख्या सारी 3 से भी कट जाएंगी। बात समझ में आएगी दोस्तों। और 2 के मल्टीपल में 12 आता है, तो 2, 4, 3, 6, 12 से कटने वाली संख्या इन चारों संख्याओं से भी कट जाएंगी, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी दे सकता है। देखिए आपको मान लीजिए यहाँ पर 15 दे दें, कि 15 से कटने वाली संख्याएँ 5 से नहीं कटेंगी, तो दोस्तों जो संख्या 15 से कटेगी वो 5 से भी कट जाएगी, जो 15 से कटेगी वो 3 से भी कट जाएगी,
जो 15 से कटेगी वो 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 3 के मल्टीपल में आपका 5 आता है और कोई दूसरी संख्या नहीं है 5 और 3 के अलावा। तो जो 15 से कटेगी वो 5 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 3 से कटने वाली ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 से नहीं कटे, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं के वर्ग का योगफल आपसे पूछा गया है। ये हैं दोस्तों इसके 4 ऑप्शन। देखिए आपसे दिया क्या गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 45। देखिए गुणनफल आपको दिया गया है 45, तो इसका गुणनफल देखिए क्या क्या बनेगा, 45 का गुणनफल क्या क्या बनेगा। देखिए एक तो बनेगा 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45। एक तो ये गुणनफल बनेगा इसका। अब देखिए ये तो हो गया आपका 3 संख्या का, 1, 2, 3। पूछा गया क्वेश्चन में 2 संख्या का, तो हमें 2 संख्याओं का बनाना है, तो 2 संख्या का दोस्तों इसी में से बनेगा। जैसे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 × 5 = 45, तो 2 संख्या का बन गया। अब देखिए एक इसका एक और बनेगा, देखिए कैसे, एक तो ये दो संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई करके एक संख्या बना ली, 3 × 3 = 9, एक संख्या बन गई, और ये 5 एक संख्या होगी, 2 संख्या होगी। अब देखिए ये दो संख्या ऐड करके हमने ये बना लिया, तो ये दो संख्या करके एक और बन जाएगा, तो एक संख्या बचेगी 3 और दो संख्या ऐड करके 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा 15 × 3 = 45, तो 3 × 15 का 3 से मल्टीप्लाई 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 हो जाएगा और 9 × 5 = 45 यहाँ भी हो जाएगा। देखिए ये तो हो रहा है आपका 3 संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन में पूछा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे और इससे, क्योंकि ये भी 2 संख्या हैं और ये भी 2 संख्या हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनका अंतर 4 है, तो इन संख्याओं का अंतर कर लेंगे। देखिए इनका अंतर करेंगे तो 12 आएगा, इनका अंतर करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब दोस्तों हमें ये वाली संख्या लेनी है, क्योंकि इनका अंतर 4 आ रहा है। अब देखिए पूछा क्या गया, संख्याओं के वर्ग का योगफल है, तो इन संख्याओं का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए 9 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर 9 का स्क्वायर किया 81 + 5 का स्क्वायर किया 25। अब इनका योगफल तो पूछा गया, योग कर लेंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, तो 106 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कोई भी पूछ लिया जाए, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसतन 23 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, और ये हैं दोस्तों इसके 4 ऑप्शन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका, 11 संख्याओं की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ी दोस्तों 10 बचेंगे, तो उनका औसत रन आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 11 सदस्यों की टीम है तो 11 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 23 से कर देंगे, जो आपका औसत रन दिया गया है उससे आपको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 × 3 = 33 का 3 आ जाएगा, 3 × 3 = 11, 2 × 2 = 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 253। 11 का 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, 253 आया। अब देखिए इसमें से क्या हुआ, एक सदस्य ने, एक टीम ने, एक खिलाड़ी ने कितने बनाए अकेले ने, एक खिलाड़ी ने अकेले उन्हें बनाए दोस्तों 113 रन बनाए हैं। 11 टीम की खिलाड़ी ने, 11 सदस्यों की टीम ने 253 रन बनाए हैं, उसमें से अकेले एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं, तो बाकी कितने बचे, 10 लोग बचे, तो 10 ने कितने बचाए, तो देखिए 11 खिलाड़ियों के 253 है, एक अकेले के 113 हैं, तो 11 में से एक के माइनस कर दीजिए, 10 के बचेंगे, तो देखिए 3 में से 3 चला जाएगा 0, 5 में से 1 चला जाएगा 4, 2 में से 1 चला जाएगा 1, तो 10 खिलाड़ियों ने कितने बनाए, 140, 11 खिलाड़ियों ने टोटल 253 बनाए, उसमें से एक ने 113 बनाए, तो बाकी के 10 ने किसने बनाए, 140 रन बनाए। अब देखिए पूछा क्या, इनका औसत रन ज्ञात करना है, तो इसका औसत रन ज्ञात कैसे करेंगे, इस 10 से इस 140 में आप डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, तो कितना औसत रन है बाकी के 10 खिलाड़ियों का, 14 रन का, यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर देंगे, ऐसा कोई भी डाउट नहीं है जो इसमें रह गया हो, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर पूछना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।